राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच गहलोत खेमे के विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट कर दिया गया है। बकरीद के मौके पर गहलोत खेमे के मुस्लिम विधायकों ने जैसलमेर के सूर्यागढ़ होटल में ईद की नमाज अदा की। राजस्थान में कांग्रेस के 9 मुस्लिम विधायक हैं। इनमें कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद, वरिष्ठ विधायक अमीन खान, दानिश अबरार, जाहिदा खान, वाजिब अली, हाकम अली खान, रफीक खान, अमीन खान, साफिया जुबैर शामिल हैं। वहीं होटल में बनी गौशाला और अस्तबल में भी विधायक गायों को घास खिलाते और घोड़ों को सहलाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद होटल के लॉन में सभी विधायक एकत्र हुए और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की। दरअसल राज्यपाल की ओर से 14 अगस्त को विधानसभा सत्र की अनुमति के बाद गहलोत के सामने 13 अगस्त तक विधायकों को एकजुट रखना बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में गहलोत ने अपने विधायकों के बिखराव के भय के चलते उन्हें जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर सूर्यगढ़ होटल में लाकर रखा है। होटल के बाहर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त हैं। इसके आसपास का 200 मीटर का एरिया पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां बिना इजाजत किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। अब 14 अगस्त तक गहलोत खेमे का ठिकाना जैसलमेर ही रहेगा। 14 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू होने पर ही ये विधायक जयपुर आएंगे।